एक ऐसा इंटरनेट जो कभी हैक नहीं हो सकता और देगा प्रकाश की रफ्तार जैसी कनेक्टिविटी, क्वांटम इंटरनेट। कोविड 19 के वजह से लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा जा रहा है और आज के इस ज़माने में घरों में रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है। खैर, औरों का तो पता नहीं, परंतु व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए तो ये एक बहुत ही कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। खैर, इसी दौर में घर में बैठे बैठे बोरियत दूर करने के लिए लोगों के पास आज इंटरनेट है, परंतु खेद की बात तो ये है कि हैवी ट्रैफिक के कारण इसकी हालत भी आज पस्त है। वैसे इंटरनेट के स्पीड को अधिक बढ़ाने के लिए तथा इसे सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्वांटम इंटरनेट का खोज कर लिया है, जो कि प्रकाश के रफ्तार जैसे कनेक्टिविटी देने में सक्षम होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सुरक्षित भी होगा, क्योंकि आज के जमाने में स्पीड और सुरक्षा लोगों की दो सबसे बड़ी चिंताएं होती है, जो कि आने वाले समय में क्वांटम इंटरनेट इन चिंताओं को दूर करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटम इंटरनेट तथा इससे जुड़ी कई अन्य विशेष बातों को जानेंगे, जिसे कि आप लोगों ने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। तो सरल भाषा में कहूँ तो क्वांटम इंटरनेट क्वांटम कंप्यूटर के मध्य इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट है, जो कि डेटा के पैकेट को क्यूबिट्स के हिसाब में एक से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करता है। ये इंटरनेट हम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज भी। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वांटम इंटरनेट की डेटा ट्रांसफ़र करने का दर कम से कम 1 GB प्रति सेकंड का होता है। खैर, मैं बता दूं कि इस इंटरनेट के तकनीक को चीन के वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर निकाल लिया है, जहां 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दो जगहों को इस इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया था। वैसे आमतौर पर साधारण कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर काम करता है, परंतु क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, जो कि एर्विन स्क्रोडिंगर्स पैराडॉक्स के ऊपर केंद्रित होता है। ऐसे में क्यूबिट्स का प्रयोग होता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि क्यूबिट्स जो है, ये एक तरह से अनिश्चितताओं से भरी हुई चीज़ है। कहने का तात्पर्य ये है कि साधारण कंप्यूटर में 0 या 1, ये दोनों वैल्यू मौजूद रहती हैं, परंतु क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यूबिट्स के इस्तेमाल के चलते इनका एक ही साथ 0 और 1 दोनों ही वैल्यू रहती है। खैर, ये दोनों वैल्यू तब तक मौजूद रहती है जब तक कोई एक निर्धारित वैल्यू इस इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले के पास नहीं पहुंच जाता है। वैसे क्यूबिट से जुड़ी और एक गुप्त बात ये भी है कि अगर दो क्यूबिट्स को कितने भी दूरी पर रखा जाए, बाद में ये दोनों ही क्यूबिट्स आपस में उलझ ही जाएंगी। वैसे इसके ऊपर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि क्यूबिट्स में होने वाली डेटा का आदान प्रदान नहीं उलझे हुए कणों की वजह से होती है, जो कि काफी तेजी से प्रकाश के गति के समान होती है। इसे उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का नाम दिया था। मैं आपको ये बता दूं कि टेलीपोर्ट के माध्यम से कोई भी वस्तु आपके कल्पना के परे की तेजी से एक से दूसरे जगह तक जा सकती है। क्वांटम टेलीपोर्ट की एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इसके जरिए आप किसी भी कण को वास्तविक तौर पर बिना कहीं भेजे ही उसे एक से दूसरे जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। विज्ञान की दृष्टि में ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम आज जिस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर पर ऑप्टिकल फाइबर जैसे कई प्रकार के अलग अलग केबल के आधार पर बनाई गई एक संरचना है, जो कि पृथ्वी में मौजूद सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से आपस में जोड़ता है। इसलिए कई बार इसको आसानी के साथ हैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी अपनी ही एक सीमा है, जिसके कारण ये काफी धीमा भी हो जाता है।
परंतु मैं जब क्वांटम इंटरनेट की बात करती हूँ तो दोस्तों तब मैं एक बहुत ही अत्याधुनिक डेटा ट्रांसफर की तकनीक के संरचना के बारे में बात कर रही होती हूँ। इसलिए कभी भी आप आम इंटरनेट को क्वांटम इंटरनेट के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वांटम इंटरनेट में किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को आपस में जोड़ा नहीं जाता है। भौतिक तौर पर तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए अवश्य ही रहते हैं। इसलिए क्वांटम इंटरनेट में डेटा पैकेट की ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार क्यूबिट्स भी एक दूसरे से कई दूरी पर रहते हैं। इसके अलावा गौरतलब बात ये भी है कि क्वांटम इंटरनेट को बनाए रखने के लिए वो दो क्यूबिट्स के अंदर के कनेक्शन को कायम रखना बहुत ही कठिन काम है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन तथा तरंग इस कनेक्शन को आसानी से खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। क्वांटम इंटरनेट को सही तरीके से काम करते रहने के लिए क्वांटम मेमोरी का भी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्वांटम मेमोरी क्या है, चलिए इसके बारे में आगे वीडियो में जानते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो क्वांटम इंटरनेट में डेटा को संग्रहित करने वाली डिवाइस या उपकरण को ही क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 50 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनेट की क्वांटम मेमोरी को सफल तरीके से निकालने में सक्षम रहे हैं। यहाँ पर बता दूं कि आम इंटरनेट की क्वांटम मेमोरी को बाहर निकाला जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक क्वांटम मेमोरी को निकालने के लिए फोटॉन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फोटॉन्स के जरिए आसानी से किसी भी अणु को ऊर्जा के द्वारा एक्साइट किया जा सकता है, जिससे क्यूबिट्स की उलझी हुई संरचना सहज तरीके से सुलझ जाती है। इसके बाद वैज्ञानिक फोटॉन्स की तीव्रता को संतुलित अवस्था में लेकर आते हैं, जिससे उस जगह पर मौजूद क्यूबिट्स को इकट्ठा किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद फोटोन कण को पूर्व के भांति फिर से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखा जाए तो क्वांटम मेमोरी को ढूंढने की प्रक्रिया उतनी भी कठिन नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेकर अभी भी कई सारे पुष्टिकरण लानी है, जिसके जरिए आगे क्वांटम इंटरनेट को विस्तृत रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम इंटरनेट कभी हकीकत में हमारे जीवन में इस्तेमाल होने लायक बन सकता है? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कुछ अनजाने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।